जय हिंद। गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो बिहार एसटीईटी का जो एग्जाम हुई थी इसकी रिजल्ट की घोषणा जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। और इससे यह पता चलता है कि जो माध्यमिक शिक्षक थे जिन्होंने बिहार एसटीईटी का एग्जाम दिए थे, अब उनकी इंतजार हुई खत्म, क्योंकि उनकी भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। और जो पटना हाईकोर्ट में जो मामला हुआ था, आइए मैं आपको बताता हूँ कि पटना हाईकोर्ट में मामला जो हुई थी वो आखिर क्या हुई थी। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। माध्यमिक स्कूल यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए 37,355 पद खाली है। इसके लिए बिहार एसटीईटी ने पहले नोटिफिकेशन जारी की, उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम का ऑर्गेनाइज रखी, उसके बाद एग्जाम भी लिया गया। उस एग्जाम में कुछ छात्रों ने ये आपत्ति जनाया कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिलेबस से है। और यही मसला जो है सो पटना हाईकोर्ट तक चली गई। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये फैसला सुनाया कि जो एग्जाम हुई उस एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उस एग्जाम को रद्द किया गया और फिर से एग्जाम को लिया गया जो कोरोना त्रासदी के बीच लिया गया, और वो एग्जाम ऑनलाइन ली गई। उसमें फिर से छात्रों ने आपत्ति जनाया कि फिर से इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से पूछी गई है। ठीक इसीलिए ये मामला फिर से कोर्ट में पहुंचा दिया गया और पटना हाई कोर्ट ने फिर उसको वहीं पे ब्रेक लगा दिया और कहा कि मैं इसकी पूरी जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद ही फैसला मैं सुनाऊंगा। और अंततः पटना हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया गुरुवार के दिन, इस बार जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन कोई आउट ऑफ सिलेबस से पूछा नहीं गया है और इस बार सही सही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए अब इसकी रिजल्ट की घोषणा जल्द से जल्द दे दी जाएगी और जो प्रदेश में जो 37,355 पद खाली हैं उन पदों पर जल्दी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद ये फैसला आने के बाद जितने अभ्यर्थी हैं जो बिहार एसटीईटी के एग्जाम दिए थे उस सभी के सभी ये उत्सुक हो गए और इच्छुक है कि अब हम चलो बहुत बड़ा फैसला आया। कि फैसला आते ही जितने अभ्यर्थी थे जिन्होंने बिहार एसटीईटी के एग्जाम दिए थे उनमें एक खुशी का उमंग आ पड़ी है और उसने वो अब वो अपने सपनों को पूरा कर रहा है कि चलो अब बहुत जल्दी मुझे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। और ये फैसला उन लोगों के हित के लिए आया और कोर्ट का फैसला यही है कि जल्द से जल्द इसकी रिजल्ट की घोषणा कर दी जाए। इसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन जो एग्जाम ली गई थी, कब कब ली गई थी और कैसे ली गई थी, आइए मैं आपको बताता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात कि सितंबर 2019 को बिहार एसटीईटी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और 28 जनवरी 2020 को ऑनलाइन एग्जाम ली थी। उसके बाद 28 जनवरी 2020 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें ये हमारा जो मसला हुआ था वो था आउट ऑफ सिलेबस का, जिन एग्जाम में छात्रों ने ये आपत्ति जनाई थी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ सिलेबस से, जो पहली बार 28 जनवरी 2020 को हुई थी। ठीक उसके बाद जब इस एग्जाम को रद्द किया गया तो फिर दोबारा एग्जाम लिया गया था सितंबर 2020 को, और इस एग्जाम में भी फिर से छात्रों ने ये आपत्ति जनाया था कि फिर से एक बार इस एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक उसके बाद कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, इस बार जो एग्जाम हुई है इसमें कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सबके सब सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक उसके बाद क्या हुआ, इसका रिक्वायरमेंट जो हमारा था प्रदेश में 37,355 पद थे, जिसमें 37,355 पद में 37,335 पदों की शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसमें हमारा 25,270 पद जो होगा सो माध्यमिक के लिए होगा और 12,065 उच्चतर माध्यमिक के लिए होगा। और रिक्वायरमेंट हमारा था 37,355 पद, जिसमें बहाली जो की जाएगी वो 37,335 पद की जाएगी और हमारा रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार था। तो ये फैसला आने के बाद जितने भी प्रदेश में जो बिहार एसटीईटी के एग्जाम दिए थे उनमें एक खुशी और एक में एक उमंग आ पड़ी। इसके बाद बहुत जल्द रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि उन छात्रों में जो एग्जाम देकर बैठे हुए हैं अब कोर्ट के फैसले पर उनके अंदर काफ़ी खुशी बढ़ी है और वो अपने एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त करेंगे उस हिसाब से उनकी बहाली कर दी जाएगी और उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो यही एक मसला था जो आपके बीच मैंने रखा और आपको बताया। और अब अगर आप भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको भी अब इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंतजार आपका खत्म होता है और आप अपने जॉब की ओर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था और मैं जानकारी दिया जो कि अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये जानना जब ज़्यादा जरूरी है कि कोर्ट का फैसला आ चुकी है, अब इंतजार नहीं करना है, अब सिर्फ जॉब लेनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो में कुछ स्टडी के साथ। तो बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।